ऐसे ही होता है। मैं आपको बताता हूं, जो भी इस देश में 3000 साल से जो भी दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, गरीबों की बात करता है, उसका माइक ऑफ हो जाता है, माइक ऑफ हो जाता है। आपने देखा होगा, मुझे कहा, जब माइक ऑफ हो गया तो मुझे कहा, काफी लोग आए और उन्होंने कहा जाके बैठ जाइए। मैंने कहा मैं नहीं बैठूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, मुझे नहीं बैठना। माइक जितना ऑफ करना है करो, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। यहां रोहित वेमुला जी की फोटो है पीछे, यहां पे ये बोलना चाहते थे, इनकी आवाज छीन ली गई। और हर रोज हिंदुस्तान में आदिवासी युवा, दलित युवा, पिछड़े वर्ग का युवा सपना देखता है, मैं इंजीनियर बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं लॉयर बनूं, मैं मीडिया में जाऊं, मैं आईएएस ऑफिसर बनूं। मगर सच्चाई यह है कि इस देश का पूरा सिस्टम पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के खिलाफ खड़ा हुआ है। यह सच्चाई है, क्योंकि अगर नहीं होता तो मीडिया में हमें ओबीसी वर्ग के, दलित वर्ग के, पिछड़े वर्ग के युवा दिखते, एंकर दिखते, मालिक दिखते। 200 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अदानी जी, अंबानी जी, टाटा, बिरला, इन कंपनीज में दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग हमें मैनेजमेंट में दिखते, मालिकों की लिस्ट में दिखते, मगर नहीं। आपको हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों के मालिकों की लिस्ट में एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक पिछड़े वर्ग का नहीं मिलेगा, सच्चाई है। तो आपको कहा जाता है, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को कहा जाता है कि यह देश आपका है, इस देश में आपकी भागीदारी है, इस देश में आपकी प्रगति हो सकती है। मगर अगर हम डेटा को देखें तो यह बिल्कुल झूठ साबित होता है। डेटा दिखाता है कि 90 लोग हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, बजट बांटते हैं, 90 में से 3 दलित, 3 ओबीसी, 1 आदिवासी, 100 रुपए में से 5 रुपए ओबीसी वर्ग निर्णय लेता है, 100 में से 5, आपकी आबादी 50%, भागीदारी 100 में से 5, दलित भागीदारी 15%, आबादी 15%, भागीदारी 100 रुपए में से 1 रुपया, आदिवासी 8% आबादी, भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसा। आपके सामने दीवार खड़ी हुई है और आप जानते हो, और आप इस बात को गहराई से समझते हो, समझते हो नहीं समझते हो? यस सर, समझते हो ना ठीक से, कि आपके सामने दीवार खड़ी है और उस दीवार को नरेंद्र मोदी और आरएसएस मजबूत करते जा रहे हैं। जहां भी उनकी अपॉर्चुनिटी, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो दीवार में सीमेंट डाल देते हैं। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, उसको निकाल दिया, सारा का सारा प्राइवेटाइज कर दिया, दीवार मजबूत की। पहले सरकारी स्कूल हुआ करते थे, सरकारी अस्पताल हुआ करते थे, सारे के सारे हटा दिए। आज दलित को, आदिवासी को, पिछड़े वर्ग के किसान को कोई भी इलाज की जरूरत हो, लाखों रुपए आपके जेब में से निकलते हैं, निकलते नहीं निकलते, और कहां जाते हैं? आपकी जेब में जाते हैं क्या?
पिछड़ों की जेब में जाते हैं, दलितों की जेब में जाते हैं, आदिवासियों की जेब में जाते हैं, नहीं, 25 अरबपतियों की जेब में जाते हैं। उन 25 अरबपतियों में मुझे दलित नाम बता दो, आदिवासी नाम बता दो, पिछड़े वर्ग का नाम बता दो, मैं खड़ा हूं, बता दो, एक नाम बता दो। अदानी आदिवासी है क्या? दलित है, पिछड़े वर्ग का है। अंबानी आदिवासी है क्या? दलित है, पिछड़े वर्ग का है। टाटा बिरला ये आदिवासी है, दलित है, पिछड़े वर्ग के को? नहीं। तो सारा का सारा आपका धन आपके जेब में से निकालकर उनके ओर जा रहा है। और उसमें मैं कहना चाहता हूं 5% 7% बेचारे जनरल कास्ट के गरीब लोग भी शामिल हैं, उनको भी कुछ नहीं मिलता। खोखले सपने दिए जाते हैं 24 घंटा, मैं 20 साल से देख रहा हूं, 24 घंटा आपको बताया जाता है कि आपको जगह है, आपकी जगह है, आपको जगह मिलेगी, मगर नहीं। और हो क्या रहा है, आस्ते आस्ते दीवार मजबूत होती जा रही है। पहले यूपीए की सरकार थी, मनरेगा दिया, जमीन का अधिकार दिया, भोजन का अधिकार दिया, पैसा कानून दिया, वो दीवार को कमजोर करने के तरीके थे। आज मैं देखता हूं तो मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से हमें दीवार को कमजोर करना था हमने नहीं किया, यूपीए सरकार ने नहीं किया, जिस मजबूती से हमने करना था हमने नहीं किया, मगर हम दीवार को तोड़ने की कोशिश करते थे। ये दीवार में सीमेंट डाल रहे हैं, कंक्रीट डाल रहे हैं, फाउंडेशन दे रहे हैं दीवार का। इसीलिए जाति जनगणना की जरूरत है। जाति जनगणना से आप सबको पता लग जाएगा मीडिया में हमारे कितने लोग, कॉरपोरेट इंडिया में कितने लोग, कोर्ट में कितने लोग, जुडिशरी में कितने, प्राइवेट अस्पताल हमारे कितने, प्राइवेट कॉलेजेस हमारे कितने। और अभी कहा गया कि ये एक्सरे है, एक्सरे पहला कदम है। सबसे पहले ही पता लगाना है कि सिचुएशन कैसी है, क्या है। हमें मालूम है कि दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को दर्द हो रहा है, वो दिख रहा है, सबको दिख रहा है। तो सबसे पहले पता लगाना है फ्रैक्चर कहां है, चोट कहां लगी है, कंपाउंड फ्रैक्चर है, सिंपल फ्रैक्चर है, ये पहले लगाना पता। और उसके बाद जाति जनगणना से डेटा मिलेगा। 21वीं सदी है, जो पहले तेल को ब्लैक गोल्ड कहा जाता था, 21वीं सदी का तेल डेटा है। और हम दलितों के बारे में, आदिवासियों के बारे में, पिछड़े वर्ग के बारे में डेटा चाहते हैं। और जिस दिन हमारी सरकार के हाथ में ये डेटा आ जाएगा, उस दिन पूरा का पूरा जो विकास का पैराडाइम है, विकास को करने का तरीका है, विकास के बारे में सोचने का तरीका है, वो बिल्कुल बदल जाएगा। ये विकास की जो सोच है, की जो अप्रोच है, उसका फाउंडेशन बनेगा। तेलंगाना में हमने काम शुरू कर दिया है, और आप देखना जब तेलंगाना में रिजल्ट आएंगे, जाति जनगणना का रिजल्ट आएंगे, तो हमारी पॉलिसी जाति जनगणना के डेटा के बेसिस पे बनेगी। और इससे बीजेपी डरती है। बीजेपी चाहती है कि 4-5% लोग अरबपति और 4-5% लोग हिंदुस्तान को कंट्रोल में रखें। और ये जो इन्होंने कंट्रोल कर रखा है, जो इसको ये खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इस कंट्रोल को तोड़ने के दो तरीके हैं, एक जाति जनगणना और दूसरा रिजर्वेशन को 50% से
ज्यादा कमा। तो इसमें हम लगे हुए हैं, तेलंगाना में हमने किया, कर्नाटक में किया, और जहां भी हमारी सरकार आएगी हम दलित आदिवासी पिछड़े वर्ग गरीब जनरल का माइनॉरिटीज का डेटा निकालेंगे और पता लगाएंगे कि विकास में उनकी क्या हिस्सेदारी है, हिंदुस्तान के फ्यूचर में उनकी क्या भागीदारी है, क्या भागीदारी होनी चाहिए। यह हमारा लक्ष्य। और मैं आपको बता रहा हूं, बीजेपी कुछ भी कर ले, आरएसएस कुछ भी कर ले, जाति जनगणना और 50% का जो रिजर्वेशन का बैरियर है, इन दोनों को हम खत्म करके देंगे। नेशनल लेवल पे मैं आपको कह रहा हूं, मैंने लोकसभा में कहा है, मैंने वायदा किया है, वहां पे इस कॉन्स्टिट्यूशन पे वायदा किया है कि जाति जनगणना को हम इसी लोकसभा में पास करके दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि हम ये जो संविधान है इसकी सोच की रक्षा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो इसमें लिखा है कि हिंदुस्तान के सब लोग एक समान हैं, वन मैन वन वोट, इक्वालिटी, फ्रटर्निटी, उसके लिए हम लड़ रहे हैं और ये काम हम पूरा करके आपको देंगे। मैं चाहता हूं, यहां आपने मीटिंग की, मैं चाहता हूं कि जाति जनगणना का जो मैसेज है और 50% रिजर्वेशन का जो मैसेज है, आप सब हिंदुस्तान के गांव गांव में, हर शहर में, हर सड़क में आप जाके फैलाओ। जहां भी आप जाओ आपका एक ही मैसेज होना चाहिए, इस देश में 90% लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, रोज हो रहा है, हर रोज हो रहा है, हर मिनट हो रहा है, और अन्याय को खत्म करने का तरीका जाति जनगणना और रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाना है।